Adityanath is already a veteran five-time MP. In this area, for instance, he's come for the very first time. It's also interesting to know that he is very controversial and in fact has even been to jail for what he was accused of being or making a hate speech. We're in Bulandshahr with BJP star campaigner Yogi Adityanath, who's a five-time MP. Aap is bar Eastern UP ke hai, aap sansad, five-time MP hai. Lekin is bar Western UP mein, baaki logo ki jagah aap bahut campaigner se kya? Ye pratham charan ka election chal raha hai. Ji. Hamare yahan chauthe ke baad hai, to pratham ditiya charan ke election mein, campaign mein, hum log yahan Pashchimi Uttar Pradesh mein aaye hain. और पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ. हाँ, क्योंकि इलेक्शन एक साथ होते थे तो वहाँ ज़्यादा समय देता था, इसके बाद हमें वही समय देना है. और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, इसलिए हम लोग. योगी जी, आपको ये पूछे कि आप क्या वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार्स है आप, बिकॉज जो सर्वे हुआ था यहाँ पे जो भाजपा के, आपको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट काफी लोग मानते थे, और क्या ये आप मानेंगे कि हाँ काफी ज्यादा सपोर्ट है इस बात के लिए? देखिये, हमारे लिए कुर्सी मायने नहीं रखती. हम लोग एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के कुशासन से मुक्ति के इस अभियान के साथ लगे हुए हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कुशासन से जनता को मुक्ति मिले. हम उस अभियान के साथ जुड़े. एक बात जो काफी लोग ये कह रहे हैं कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, अभी हमने आपको सुना, आप पलायन एक्सोडस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बस किराना एक इंसिडेंट था. किराना अकेले नहीं है जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दर्जन से ऊपर ऐसे कस्बे हैं और दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर हिंदुओं को सामूहिक पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि वहां पर एक वर्ग विशेष के आपराधिक तत्वों ने सत्ता के संरक्षण में इतना अपराध किया है, इतनी अराजकता पैदा की है, माँ बहनों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ किया है, उनको जबरन उठाने की घटनाएं घटित हुई हैं, कि उनको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, दलितों को भी पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा है. अल्तनाथ जी, की रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? अरे, रिपोर्ट होगी ना, रिपोर्ट तो है, आप जाके देखिए, वहाँ पर जी न्यूज ने सारी चीजें दिखाई भी है. मुझे लगता है NDTV भी जाती तो अच्छा होगा, एक राष्ट्रीय कार्य होता. एक बात बताइए आदित्यनाथ जी, बहुत लोग ये कहते हैं क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जो मुस्लिम है, दलित है, काफी लार्ज 35% इस इलाके में जहाँ पे आप आए, तो क्योंकि आप धार्मिक इंसान है, तो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का जो पोलराइजिंग अटेम्प्ट है. धार्मिक इंसान तो हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति जय श्री राम बोल रहा था क्या बिना धार्मिक इंसान के बोल रहा है? हर मनुष्य धार्मिक है, और धार्मिक जो सच्चा इंसान है वो धार्मिक है. हम लोग जनता से अपील कर सकते हैं कि जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों ने इन अपराधियों का, बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण किया है, उस सत्ता को दोबारा मत आने दीजिए. जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया है उनको मत आने दीजिए, जिन्होंने आपके विकास को अवरुद्ध किया उनको मत आने दीजिए. लेकिन आदित्यनाथ जी, केराना जिसमें 300 लोगों की रिपोर्ट थी, NHRC ने भी ये उसको आप अगर केराना एक घटना नहीं, मैं कहता हूँ केराना तो एक नाम है, ऐसे बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ना, दो दर्जन से ऊपर कस्बे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और दर्जनों गांव हैं जहां से हिंदुओं को सामूहिक पलायन करने के लिए भागना. और आप कह रही है सपा कुछ नहीं कर रही है उसके बारे में? सपा ने कुछ नहीं किया, बसपा ने किया, इन सपा और बसपा दोनों का पाप का ही ये परिणति. लेकिन ये जो कश्मीर के साथ किस तरीके से, मैं कहता हूँ कश्मीर अचानक नहीं घटित हुआ, कश्मीर घटित होने में वहाँ का स्थानीय प्रशासन का निकम्मापन था कि वहाँ के आपराधिक गिरोहों को, आतंकी तत्वों को रोका नहीं गया. उत्तर प्रदेश में ठीक वही घटना घटित हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को तो वापस लेती है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं पर होने वाले, हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर FIR लॉन्च नहीं करती है. ये घटना इस बात को साबित करती है. तो उत्तर प्रदेश आपको लगता है कश्मीर बन सकती है? अगर रोका नहीं गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आने वाले भविष्य का खतरनाक
होगा और कश्मीर जैसी स्थिति पैदा होगी। भारत माता की, भारत माता की, विकास राष्ट्रवादी आदित्यनाथ। डोनाल्ड ट्रंप को आप सपोर्ट करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की नीति अपने देश के लिए होगी, हमारे देश के लिए जो नीति आवश्यक होगी भारतीय भारत की सरकार वो बनाने में सक्षम। बट मुस्लिम बैन जो उन्होंने किया है आप उसको? मैं उस पर कह चुका हूँ कि उनको जो उचित लगा होगा उन्होंने किया होगा, जो हमें उचित लगेगा हम वो करेंगे। भारत माता की।